नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे राकेश टिकैत के डिबेट के कुछ ऐसे लम्हे जिनमें उन्होंने गोदी मीडिया और बीजेपी की जम के धुलाई की। तो एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है, क्या इस देश में एक ही बिरादरी है? चुनाव में क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? मुख्यमंत्री हो या इनके बड़े बड़े लीडर हो, वे सब आ रहे हैं और यमुना के खतर से शुरू करते हैं और मुजफ्फरनगर पर जाकर वहीं घूम रहे हैं, क्योंकि एक फील्ड वहां पे ही उनको मिला, एक स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पर तो होगा नहीं। ये ढाई महीने का जो प्रोसेसिंग इनकी आई है कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना क्या आप वहां पे खेलोगे, वो मैच उस मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो कहीं पे भी आपका स्टार्ट हो नहीं रहा। अगले क्लिप में हम देखेंगे राकेश टिकैत ने कैसे संबित पात्रा को लाइव डिबेट में उछलने पर मजबूर कर दिया। मैं सुन रहा था इनको भी कि 26 तारीख, अरे 26 तारीख की जांच कौन करेगा? 26 तारीख की सही जांच करवा दो तो सजा होगी इनको, बीजेपी वालों को इनको सजा होगी। कौन कौन वहां पे लेके गया है 26 तारीख में लोगों को? मतलब इनको फौज पे कोई वो हो, किसान मरे, पुलिस फोर्स का टकराव हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो ये है कि किसान संगठन बदनाम हो, ये है इनका काम। जो उनसे महात्मा गांधी की हत्या करके और हत्या करने वाले को मंदिर बनवाते हो, चित्रा जी पूजा करते बहुत हो, शांति से सुन रहा। किस तरह की इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बोला जाए, आप मैं बात नहीं करता। नहीं, सुन लो, मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेहुदे लोगों से मैं बात ही नहीं करता। मैं वन टू वन आपसे बात करूंगा, आपसे बात नहीं करता। आपका टोन कौन है? बीच में आ रहा है, हटाओ इसको। महात्मा गांधी क्या होता है? चित्रा जी ये उचित नहीं है। महात्मा गांधी इस प्रकार से हमें फ्रेम में रख करके गाली गलौज किया जाएगा, ये किस प्रकार का अहंकार है चित्रा जी? किस प्रकार का अहंकार है ये? आज तक किस प्रकार की बातों को प्रमोट किया जा रहा है? ये कौन हटाओ हटाओ चिल्ला रहा है? अब चित्रा जी ये उचित नहीं है। डॉक्टर संबित पात्रा और राकेश टिकैत दोनों लोगों के लिए 30 सर आपस में इस तरह से नहीं उलझेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा एक सेकंड, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसानों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो प्लीज एक सेकंड सर, एक सेकंड। अहंकार किसी के भी भीतर नहीं होना चाहिए, प्लीज सर। अहंकार किसी के भी भीतर नहीं होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो किसान नेता हो। राकेश टिकैत साहब एक सेकंड, ये तरीका ठीक है। आपने कहा कि सरकार बात नहीं कर रही है तो हम लोगों ने कोशिश की संवादहीनता की स्थिति को खत्म कर देते हैं। राकेश टिकैत साहब आप लोग भी इतने महीनों से बैठे हुए हैं, ऑब्जेक्शन करता हूं और मैं भी अपने सुनना पड़ेगा। दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा। डिबेट आप बात करो ना करो, मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूँ। चित्रा जी मैं सम्मान कह रहा हूँ, मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। चित्रा जी आपके चैनल ने हमें बुलाया है, आज तक कहेगी कि बीजेपी हट जाए, बीजेपी हट जाए। एक चीज मैं दोनों लोगों के लिए स्पष्ट कर दूं, एक सेकंड सर प्लीज, पूरा देश आप दोनों लोगों को देख रहा है। प्लीज राकेश टिकैत जी और संबित पात्रा जी, चित्रा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आज तक लगता है बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, संबित पात्रा जी और राकेश टिकैत जी कोई बात नहीं है। चित्रा जी किसानों को लेकर जवाब आपको ही देना है, यकीन मैं आपके पास आऊंगी डिबेट में। आपने खास मेहमान है तो आपसे सवाल पूछा है, नहीं चित्रा, लेकिन राकेश टिकैत नहीं चित्रा जी, ठीक है सर, चित्रा जी नाराज होने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनिए। गड़बड़ है ना, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि संवादहीनता की स्थिति है, आप बोल रहे हैं कि वहां से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो प्लीज सुनिए मेरी बात। संबित पात्रा ये डिबेट का
बायकॉट करने की धमकी देना सर, आप इतने सीनियर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको शोभा नहीं देता है सर। क्यों नहीं, देश अगर आप बोलेंगे डिबेट से निकल जाओ तो कोई नहीं कह रहा है, मैं इसलिए कंडीशन डालता हूं आपके चैनल पे। हम मेन मुद्दे पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं, बोलने को बीजेपी को सरकार के आप पार्टी के प्रवक्ता को 10 सेकंड बोलना चाहिए। जी एक बार समित पात्रा का सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा सर, प्लीज। गुजारिश है दोनों ही लोगों से, दोनों ही लोगों से मेरी गुजारिश है। समित पात्रा जी, चित्रा जी, मैं राकेश टिकैत जी से बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे दो तीन बिंदु रखूंगा। मैं शांति से बैठा हुआ था, आप राकेश टिकैत जी से वन से वन टू वन बात कर रहे थे, क्यों खामा खा बहस करो इससे। सुन लीजिए चित्रा जी, मैं बात कर सकता हूँ, आप बात करो, आप भी खामा खा बीच में क्यों पंगा ले। चित्रा जी मैं बात कर, चित्रा जी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, चित्रा जी मैं कैसे बोलूंगा, चित्रा जी मुद्दे पर कैसे बोलूंगा, चित्रा जी कैसे बोलूंगा। अगले क्लिप में राकेश टिकैत ने बताया कैसे बीजेपी के नेता झूठ बोलने की ट्रेनिंग नागपुर से लेते हैं। संयुक्त मोर्चा ना चुनाव में है ना उनके प्रचार में जाएंगे किसी के, पक्का पक्का। संयुक्त मोर्चा पूर्ण रूप से अलग है। यहाँ पे आप योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं? नहीं, हम साथ नहीं। ये किसी ने कहा हम साथ नहीं, आपने पूछ लिया? नहीं नहीं, क्यों पूछ, जो और पूछ तो बता दे, हम साथ नहीं है, बिल्कुल साथ नहीं है। और उनके साथ अखिलेश जी के साथ? नहीं, हम साथ किसी के नहीं है, हम अपनी बात कहेंगे जनता को। देखो, हम गन्ने के भुगतान पर बात करेंगे, उसके रेट पर बात करेंगे। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा भुगतान किया, कहां से रहा झूठ बोलने में, तो ये गोल्ड मेडल जीत के देगा कौन, ये तो नहीं पता। देखो इनको क्या है कि कानून मंत्री चलेगा क्या, कानून झूठ बोलने की ट्रेनिंग है पूर्ण रूप से, झूठ बोलने की पहली में ट्रेनिंग दी जाती है इनको। कहां ये नहीं पता, नागपुर में शायद इनका ऑफिस है कोई। गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान देंगे, नहीं देंगे तो उसका ब्याज देंगे। हाँ, ये तो एक्ट में है। अच्छा, तो दो ना फिर उसको, ये गन्ना कानून है ये किस्म से। अब पिछले साल का बाबा ने कहा कि भाई तुम गन्ना गन्ना बात करो, और वो अखिलेश जी कह रहे गन्ना नहीं जिन्ना जिन्ना। देखो अभी आएगा क्या, तो हिंदू मुस्लिम और जिन्ना इनके एजेंडे में है तीन चीजें। आपको ये पता है कि जहां मोदी जी ने गंगा जी में अभी गोता लगाया उसमें 6.5 करोड़ रुपया खर्च हुए, जहां गोता लगाया है जानकारी? नहीं नहीं, यही तो नहीं नहीं, 6.5 करोड़ रुपया जनता का खर्च हुआ है उसमें, पक्की पाइलिंग हुई उसमें, एक गड्ढा बना फिर नीचे पाइलिंग हुई, और जहां पे गुच्छक मारी वहां पे 2 फुट गहरा गड्ढा और था, और उसके चारों तरफ जाल लगाया गया पूरा, उसमें 6.5 करोड़ का खर्चा है। उसकी बिलिंग दिखा देंगे, वो दिखा देना अपने चैनल पर। आरटीआई से पता किया? नहीं नहीं, हमने तो पता कर लिया, हमने उसकी बिलिंग दिखा देंगे। तो हम तो कह रहे थे मतलब गोता मारने के और फोटो सेशन करवाने के 6.5 करोड़ रुपया खर्च होने हो तो देश तो बर्बाद होगा भाई। आम जनता को नहीं पता कि इतना बड़ा फोटो सेशन भी चलता है क्या। अगले क्लिप में जब गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की प्रवक्ता बनने की कोशिश में थी तो कैसे राकेश टिकैत ने गोदी मीडिया के परखच्चे उड़ाए। कुर्सी 10,000 और भीड़ 2,00,000 की, ये गणित समझ में नहीं आया। कहाँ की बता रहे हैं आप? मैं पंजाब की बता रहा, इनकी बनारस की बता रहा, इनकी सबकी बता रहा मैं। पंजाब की फिरोजपुर वाली? हाँ, फिरोजपुर वाली। कुर्सी खाली रहेगी तो कहने लगे भाई, कुर्सी खाली रहेगी तो इनसे पंडा कैसे छुटा हुए। और पीएम की सुरक्षा वाला मामला? कहाँ था सुरक्षा का मामला उनका? अगर देश में पीएम की सुरक्षा को खतरा है तो आम आदमी का क्या होगा, गृह मंत्रालय बताएगा। और राज्य सरकार चन्नी जी की जिम्मेदारी? मैं ये कह रहा हूँ कि वो बगैर प्रोग्राम के गए वहाँ पे, 130 किलोमीटर का सफर नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री को अगर 20 मिनट तक काफिला रोक कर गाड़ी में बैठे रहना पड़े जिस ड्राइवर पर वो थे, सुनिए ना राकेश जी, अगर उसके नीचे कुछ भी हो जाता, पाकिस्तान मनीष तिवारी का बयान भी आपने सुना होगा, आप ही लेकर गए हैं पंजाब, तो यूपी पे इससे वोट मिलने वाली है नहीं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का प्रचार करेंगे, वोट उससे तलाश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जेब में वोट नहीं है बीजेपी की, वो देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। पार्टी ने ही तो पीएम बनाया ना, पार्टी ने पीएम नहीं बनाया तो उनके हैं क्या प्रधानमंत्री? ये कहोगे देश की जनता ने वोट किया, देश के हैं, देश की जनता ने बीजेपी को वोट किया, बीजेपी ने उनको पीएम बनाया। एक पार्टी के लिए देश में कोई भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा, आने वाला आंदोलन यही होगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं? ना, हम तो नहीं लड़ रहे, अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग, है ना,
अच्छा आप डर किससे रहे हैं? अगर एक पार्टी का नाम आपकी जुबान पर आते आते रह जा रहा है, नहीं थोड़ा सा पीछे रहे, बोलिए ना किसको किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप पूरा प्रचार कर रहे हो, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप प्रचार में लगे हुए हो, प्रचार कर रहे हैं आपका, इसीलिए तो बुलाए हैं आपको, आप ही का प्रचार कर रहे हैं। आधे घंटे से 20 मिनट हो चुके, 10 मिनट का और इशारा, प्रचार ही तो है। तो गांव के लोग हमारी सब भाषा समझते हैं, उन्हें किसको वोट देनी वो दे लेंगे अपना। कौन सी भाषा है समझ गए, मैं सब पता उनको। 13 महीने की ट्रेनिंग, चुपके चुपके काम क्यों कर रहे हैं आप? चुपके चुपके हम किसी राजनीति में चुपके चुपके कौन से काम राजनीति कर रहे हैं? हमने इनको बहुत समझाया, अपने कर्मकांड ठीक कर लो, एक नहीं काम करा ठीक, अब वोट हमारे पे कहाँ वोट रखी, ले लो अपना काम में जाओ, मांगो वोट। बीजेपी की आप कमियां गिना रहे हैं, यहीं पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य जी आकर बोले हैं मुफ्त राशन एक बहुत बड़ी आबादी को मिल रहा है। एक दिन के लिए मुफ्त राशन थोड़ा चाहिए, रोजगार चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।